आर है, एन है और डी है। आपको इसमें ऑटोमेटिक है सारा चीज। ये जो है हमारा सब कंपनी का है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल देव ब्लॉग में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। आई होप कि आप सब जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। और आज आप लोगों को चलिए ले चलते हैं एक नई वीडियो की ओर, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कुछ नया सीख सकें। और चलिए मैं चलता हूँ नई वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन, तो आज चलिए आप लोगों को बिल्कुल मेरे पीछे आप देख रहे होंगे क्रेन है, 100 टन का क्रेन है। आज आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं और आप लोग लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिए। और एक बार में तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा इसका पूरा फंक्शन, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट टू में पूरा कंप्लीट कर दूँ। अभी मैं पार्ट वन आप लोगों को देता हूँ और हो सके तो पार्ट थ्री भी बनाना पड़ेगा। तीन बार में मैं आप लोगों को ये क्रेन का पूरा डिटेल दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल पे बने रहें। तो चलिए चलते हैं मशीन की ओर। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं क्रेन दिखाता हूँ पूरा, कि ये देखने में किस तरह का है। तो देखिए ये क्रेन रहा, और सामने जो दिख रहा है काउंटर बेट है। ये काउंटर बेट अभी खुला हुआ है, इसको जब काम किया जाता है उस समय इसको लगाया जाता है, सस्पेंसर डाउन करके फिर इसको लगाया जाता है। वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में ज़रूर। और आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसके आगे केबन में, जो कि जहाँ से ड्राइव करके ले जाया जाता है, तो वहाँ का किस तरह का सिस्टम है। क्योंकि इसमें जो है 100 टन का ये लीवर कंपनी का क्रेन है, तो इसमें ऑटोमेटिक गियर है सारा चीज़, और इसमें क्लच नहीं होता है। जिस तरह से नॉर्मल गियर लगा, क्लच दबा के गियर लगाया जाता है, वो इसमें नहीं है। इसमें ऑटोमेटिक है और सब बटन सिस्टम है। तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इससे ड्राइव किया जाता है और वहाँ पर क्या क्या फंक्शन है, जो कि ड्राइविंग केबिन के अंदर में क्या क्या फंक्शन है और वहाँ से क्या क्या किया जाता है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग बने रहें मेरे इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। और देखिए ये लीवर कंपनी का है 100 टन का क्रेन। और चलिए फिर चलते हैं आगे और बताते हैं आप लोगों को कि इसके आगे केबिन पर क्या है और क्या सिस्टम है सो। और चलिए अब चलते हैं, देखिए बिल्कुल आ गए हैं फ्रंट केबिन पे। और हेलो, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यासीन बेग। हम लोग आज बताते हैं लीवर क्रेन के बारे में, जो कि कैसे ड्राइव सस्पेंशन डाउन अप किया जाता है। और ये 100 टन का क्रेन है, और ये 100 टन का क्रेन है, आप देख सकते हैं ये 100 टन का क्रेन है। और यासीम भाई हैं आज, तो यासीम भाई आपको बताएंगे कि 100 टन क्रेन का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले चलते हैं आगे की ओर, है ना? तो आइए चलते हैं फिर और देखते हैं आगे क्या है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को करना क्या पड़ेगा। तो देखिए ये जो स्विच दिख रहा है, ये स्विच जो दिख रहा है ये बैटरी का स्विच है, जो कि मेन स्विच है। इसको सबसे पहले ऑन करना है। तो ये देखिए हमने ऑन कर दिया, ये ऑन कर दिया, ये रहा, ये ऑन हो गया। उसके बाद ये पीटीओ है। अच्छा, ये नीचे ड्राइविंग में स्टार्ट करना है तो ये ऑन रहे, इधर रहेगा। अच्छा, जब अगर हमको स्टार्ट करना होगा तो सबसे पहले हमको वो बैटरी जो है, बैटरी को फंक्शन ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद ये देखिए ये स्विच है, इस स्विच को हमको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ चाबी है, ये चाबी से हमको फिर ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए ये पूरा इधर ऑन हो चुका है। उसके बाद से सेल्फ मारेंगे, तो देखिए सेल्फ मार दिया उसी चाबी से, तो ये ओपन हो गया। और अब सारा फंक्शन, एक मिनट, सारा फंक्शन चलना स्टार्ट हो गया। और ये आप कौन सा बटन दबा रहे हैं? ये है कि लाइट ऑफ, उधर बढ़ सक, डाउन ऑफ कर देती है उधर। अच्छा अच्छा, देखिए ये पूरा लाइट जो है, ये लाइट से, यानी कि ये लाइट अगर हम दबाएंगे, एक बार दिखाइए फिर से, P1। अच्छा P1 दबाएंगे, तो एक बार P1 दबाइए, तो देखिए ये लाइट हाई हो गया है। और फिर से उसको डाउन कीजिए तो P2 में, अच्छा देखिए ये लाइट ऑफ हो गया। तो उसको वहां से हम हाई और लो कर सकते हैं। ये जो P1 है और P2 है, तो इससे हम लाइट जो यहाँ स्क्रीन का लाइट है, इसको हाई और लो कर सकते हैं। यही है ना, रिवर्स, न्यूट्रल, फॉरवर्ड। यानी कि देखिए रिवर्स जो हो गया, आप इस गाड़ी को बैक ले जा सकते हैं, और न्यूट्रल हो गया, जब गाड़ी न्यूट्रल में रहेगा, कहीं आएगा जाएगा नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, कोई गियर नहीं लगेगा। और ये जो डी देख रहे हैं, ये ड्राइविंग है, यानी कि इससे ड्राइव कर सकते हैं। ऑटोमेटिक गियर है, इसमें कोई आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह का आपको चाहिए
उस तरह का इसमें से आपको गियर ऑटोमेटिक लग जाएगा, सिर्फ आपको रेस दबा के रखना पड़ेगा। हो गया। आगे आगे ये दो बटन फ्रंट का सस्पेंशन आपका है या सस्पेंशन डाउन का है? अच्छा, ये सस्पेंशन आप एक क्लियर में बता दीजिए, सस्पेंशन बोलते क्यों, क्योंकि कितने लोग जो है सस्पेंशन के बारे में नहीं जानते। सस्पेंशन देखिए होता क्या है, जब हम लोग क्रेन एक्सटेंड करते हैं ना तो उसको हाइट करना पड़ता है, तो हाइट करने के लिए इस सस्पेंशन को लगाया जाता है, जिससे वो क्रेन का जो टायर जब चलने समय होता है तो वो टायर डाउन में रहता है, जो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो टायर को हाइट करना पड़ता है हम लोगों को काम करने के लिए, तो सस्पेंशन अप करना पड़ता है, और जब कहीं जाना होता है तो पूरा क्रेन को हम लोगों को डाउन करना पड़ता है, तो उसको सस्पेंशन टू डाउन बोलते हैं उसको। आगे बताइए। बस ये टायर का पूरा ये 6 नंबर बटन जो है, 1 से लेकर 6 नंबर तक ये टायर कटिंग का है। तो एक तरफ बटन का थोड़ा सा हमको कोई नहीं है, ये टायर बस एक ही है, सब थोड़ा सा काटेंगे एक तरफा मूव होगा। अच्छा, ये सब आप देख लीजिए कैसे कटना। अभी 5 नंबर में ये लाइट जल रहा है, चेंज करना है। तो देखिए ये जो है ये लाइट देखिए चेंज हो जाएगा। हाँ, देखिए अभी आ गया 4 नंबर में, अभी आ गया 3 नंबर में। स्टीयरिंग जब तक सीधा नहीं होगा एक लाइट जलता रहेगा। तो अभी स्टीयरिंग सीधा है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं, इतना जो देख रहे हैं ये पूरा टायर का है, आपको जितना चाहिए उतना इस अभी से आप सबसे नॉर्मल 2 नंबर होता है। अगर आप में लोकल में ड्राइव करना है तो 2 नंबर। अच्छा, अगर लोकल में ड्राइव करना है तो आप यहाँ से देख रहे हैं ये 2 नंबर आप दबा सकते हैं, 2 नंबर में लोकल ड्राइव कर सकते हैं। और अगर हमको हाईवे पे जाना है तो हाईवे पे जाने के लिए हमको कौन सा बटन इस्तेमाल करना पड़ेगा जो बेटर रहेगा? 1 नंबर। 1 नंबर पे, 1 नंबर पे हाईवे पे जा सकते हैं। अच्छा, उससे अगर आप 2 नंबर में हाईवे पर जा रहे हैं तो आपको 20 से ज्यादा स्पीड नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ओनली 20 स्पीड। हाँ, अगर 1 नंबर में जा सकते, 1 नंबर में है तो 80 तक जा सकते हैं। अच्छा, अगर फर्स्ट नंबर पे रहेगा तो आप 80 तक का स्पीड में हम लोग रोड पे जा सकते हैं, है ना? और गियर चेंज बस ये हो गया आपका, ये है जिसे आपको हाइट में जिसे रेम पोर्ट पे चलना है, तो ये 4 व्हील हो गया। ये देखिए इतना सारा जो दिख रहा है ये 4 व्हील है। और ये हो गया 2 बटन हीटर का है ये। अच्छा, ये जो हीटर का है अपना। हाँ, जब आप जी फैन एक से ऑफ होएगा एक से डाउन होएगा। हाँ, ये हो गया फैन का ही है। ओके, ये लाइट हो गया। ओके, और ये आपका वाइपर का है। अच्छा अच्छा, ये लाइट है। नॉर्मली जो है यहाँ पे जितना भी आप स्विच देख रहे हैं, देखने में आपको लग रहा होगा कि पूरा कंप्यूटर ही है, लेकिन कोई खास नहीं है। जो भी नॉर्मली आम गाड़ियों में होती है या मशीनों में होती है वही सब है, लेकिन एक्चुअली यहाँ क्या है, ये सिर्फ एक बटन के जैसा दिया है और बाकी सब में स्विच का तरह रहता है। तो आपको लग रहा है कि इतना ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, कुछ भी नॉर्मली है। आप एक बार देख सकते हैं पूरा, बस फर्क इतना ही है कि इसमें स्विच नहीं है, इसमें बटन है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि कितना सारा फंक्शन है। बस यही है और कुछ नहीं। तो अगर हम लोग अभी पीछे वर्क करने जाएंगे तो अभी हम लोगों को करना क्या पड़ेगा उसका? अभी अभी पोजीशन में क्रेन है, फिर इसको हम ऑफ किए, इंजन ऑफ किए, मेरे को ऊपर जाके काम करना है, तो फिर इसको ये घुमाएंगे, जब तक नहीं घुमाएंगे ऊपर स्टार्ट नहीं होगा। तो देखिए आपको एक चीज बता देते हैं, जो कि मेन आपको बताते हैं कि क्या इसका मेन है। तो मेन ये है कि यहाँ जो फर्स्ट इंजन आपको दिखाएं इतना, ये सिर्फ आगे के लिए है, है ना वसीम भाई? ये सिर्फ आगे के लिए है, यानी कि कहीं जब क्रेन क्लोज कर दिए हैं तो आपको जाने में और ये सब में काम आएगा, बाकी और कोई काम नहीं आएगा यहाँ से, क्योंकि इसके 2 इंजन होते हैं, इसके 2 इंजन हैं, ये सिर्फ आगे का इतना काम हो गया, और इसके 2 इंजन हैं, पीछे जब जाएंगे तो वर्किंग के लिए दूसरा इंजन है, वहाँ से सारा काम होता है। यहाँ पे हमारा ऑफ रहेगा और यहाँ से कुछ भी नहीं रहेगा। ये अपना टायर कटिंग का है, ये 1 नंबर में है तो थोड़ा कम कटेगा, 2 नंबर में है टर्निंग ज्यादा है तो 2 नंबर डाल दीजिए, वही मूव करा देगा आपका क्रेन को। 3 नंबर में है, वही सब टायर का कटिंग है, आपको जितना चाहिए उतना काट सकते हैं हर बटन दाब दाब के। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका जक किस तरह से लगाया जाता है और उसके किस तरह के फंक्शन हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।